गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि ओबीसी आरक्षण में पूरा दोष कांग्रेस का है, आरक्षण का प्रस्ताव इतना कमजोर था कि वह लागू ही नहीं हो सकता था। वहीं उन्होंने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि युवा कांग्रेस को 3 दिन बाद दिग्विजय सिंह की याद आई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरक्षण का प्रस्ताव इतना कमजोर था कि वह लागू ही नहीं हो सकता था, कांग्रेस की सारी योजनाएं और प्रस्ताव एक भी पूरे नहीं हुए, ओबीसी आरक्षण में पूरा दोष कांग्रेस का है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि 3 दिन बाद कांग्रेस को दिग्विजय सिंह की याद आई, युवा कांग्रेस की हालत खराब है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस 3 दिन बाद आयोडेक्स भिजवा रही है। इंदौर में पुलिस साइट हैक मामले पर मिश्रा ने कहा कि तत्काल साइट को बहाल किया जाएगा, आईपी एड्रेस भी ट्रेस किया जा रहा है, जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान झाबुआ विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने आज नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने जितनी भी घोषणाएं की एक भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो सब कागजी थी, उसी में से ये ओबीसी आरक्षण था। इन्हीं के कार्यकाल में उसकी ठीक पैरी भी नहीं हुई और स्टे मिल गया सर। और लगातार इतना कमजोर वो आरक्षण तैयार किया कि वो हो ही नहीं सकता था, और इसलिए इन्होंने न तो तारीख पेशी व्यवस्था संवैधानिक ढांचा उसका प्रारूप एक भी ठीक नहीं बनाया था। अच्छा, आप मूल ओबीसी आरक्षण की बात ले लो, किसान कर्जा माफी की ले लो, नौजवानों को वो देने की बात ले लो, ये सब के सब इनने इसी तरह से किए कि हो ही नहीं पाए, और पूरा इसमें दोष कमलनाथ जी के द्वारा उसका जो फॉर्मेट तैयार किया गया था उसकी त्रुटियों पे जाता है। आप इससे अंदाजा करिए कि ये नौजवान है जिन्हें 3 दिन बाद याद आई है कि एक बुजुर्ग की साथ अन्याय हुआ है, इससे आप युवक कांग्रेस की हालत समझ सकते होगी। और कमलनाथ जी भी 3 दिन बाद आयोडेक्स भेज रहे हैं। इस दौर में तत्काल साइट को बहाल कर दिया गया था, आईपी एड्रेस आ गया था, तत्काल रीस्टोर भी कर लिया था, और हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।